और यहाँ पे मैं परमेश्वर का वचन और विश्वास के साथ एक आशा के साथ आई हूँ कि मुझे परमेश्वर के वचन को सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और उससे मैं परमेश्वर के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ती चली जाऊँगी। पॉल दिनाकरन के सर के बारे में बहुत सुना था और काफ़ी चर्चित रहे हैं सर, जो है इनका वीडियो जो है काफ़ी अच्छा रहा है और इससे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ अपने जीवन में भी, अपने लाइफ में भी। मैं जो है पॉल दिनाकरन के थ्रू यीशु मसीह को अनुभव किया हूँ। और दुख हर आनंद मा बदल जाही। God will turn all your sorrows into joy. हम ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि परमेश्वर आपके सारे शोक को आनंद में बदल दे। This is a prayer festival. ये प्रार्थना का महोत्सव है। As we pray, Jesus will walk amongst us. और जैसे हम प्रार्थना करेंगे, यीशु हमारे मध्य में चलेंगे। Abhishek, Abhishek, God has a future for you. प्रभु ने आपके लिए भविष्य रखा। You have been a failure in your education. आप अपनी पढ़ाई में असफल रहे हैं। But God is going to lift you up. लेकिन प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। You will enter into government service at the right time. आप सही समय पर सरकारी नौकरी पाएंगे। You will be an honored person. आप आदरणीय ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे। Come to the platform. मेरा नाम अभिषेक मसीह है। जब अंकल प्रभु दास ने प्रेयर कर रहे थे तो उसने मेरा नाम लिया तो मेरे अंदर में ठंडापन महसूस हुआ मेरे को। और मेरा दोबारा 12th है, एक बार 12th में दिलाया तो उसमें दो सब्जेक्ट में मैं सेफली आ गया था। फिर से दोबारा मैं 12th क्लास में फिर से पढ़ रहा हूँ तो फिर मेरे अंदर में डर था एक कि इस साल फिर से मैं पास होऊँगा कि नहीं, निकाल पाऊँगा कि नहीं। लेकिन जब प्रभु के दास ने प्रेयर किया और कहा कि इस बार प्रभु आपको सफल करेगा तो मेरे जीवन में ऐसा लगा कि मेरे जीवन में प्रभु का आशीष मेरे ऊपर में उतरा। इस बात के लिए मैं प्रभु के दास का और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। See, correctly the Lord said, बिल्कुल सही तरीके से परमेश्वर ने कहा, You're a failure in studies. तुम पढ़ाई में असफल रहे। I did not know that. मैं ये नहीं जानता। But Jesus knows. लेकिन यीशु जानते हैं। Have I ever met you before? क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ? नहीं। Then how did I know your name and your problems? तो फिर मुझे आपका नाम कैसे पता, आपकी समस्या कैसे पता? यीशु मसीह ने बताया। Amen. Jesus Christ is here. यीशु मसीह यहाँ पर है। लखनऊ से आई हूँ और मेरे को स्किन का प्रॉब्लम था, एलर्जी था। डॉक्टर आर्टिकेरिया प्रॉब्लम बताया था, बहुत ईचिंग होता था और स्किन एकदम रेड हो जाता था, स्वेलिंग होती थी और साथ में मेलाज़मा का भी प्रॉब्लम था। ये 6-7 साल से मुझे था जो देखने में अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाई, लेज़र करवाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं थक के हार के छोड़ दी। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर 2-4 दिन पहले मैं फिर से डॉक्टर से मिली, उन्होंने मेडिसिन दिया पर कहा कि ये 100% ठीक नहीं होता है। पर मैं मेडिसिन का वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ गई क्योंकि मैं खरीद नहीं पाई दवा, मेरे पास पैसे नहीं। आज जब प्रेयर कर रहे थे तो पॉल अंकल ने मेरा नाम लेकर कहा कि तुम्हारी स्किन का प्रॉब्लम रत्ना ठीक हो रहा है, तुम चंगाई प्रभु दे रहे हैं। रत्ना, God healed you right now. रत्ना, परमेश्वर ने अभी आपको चंगाई दी है। Be healed in your skin in Jesus' name. अपनी चमड़ी में आप चंगाई पाए यीशु के नाम में। Every allergy is leaving you right now. हर एक एलर्जी अभी आपको छोड़कर जा रही है। Every allergy be healed. हर एक एलर्जी अभी चंगी हो रही है। Every wheezing be healed. हर एक श्वास की दमे की परेशानी जा रही है। Every breathlessness be healed. और श्वास की जो कमी है, दमे की परेशानी दूर हो रही है। तो अचानक से मेरे बॉडी गरम हो गए और हाथ पैर कांपने लगे। मैं रो रो कर प्रार्थना करने लगी अंकल के साथ और मुझे महसूस हुआ कि मेरा स्किन एकदम सही हो गया है। मुझे दवा नहीं लेने पड़ेगी, मेरा स्किन स्मूथ छोटे बच्चे के समान नया हो गया है। सिस्टर रत्ना, हैव आई एवर मेट यू बिफोर? नहीं नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम। जीसस इज अलाइव। Today the Lord says, I am going to give you the hope of glory. परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं तुम्हें महिमा की आशा देने पे हूँ।
today it's going to be so glorious. Aaj ka din bahut mahimavant hone wala hai. You're going to receive all the power from God. Aap sare samarth ko parmeshwar se prapt karenge. It's going to be glorious. Aur ye mahimavant hoga. Mera naam Maryam Masih hai. जब सिस्टर इवेंजेलिन पाल जी दिना प्रार्थना करी थी, मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे, आज मैं बहुत परिपूर्ण हूँ, आज उन्होंने अपने प्रेम से मुझे परिपूर्ण किया और उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं धन्यवाद देती हूँ। अपनी बेटी को आशीष Praise God. उसकी स्तुति करें. Praise God. उसकी स्तुति करें. Everything is changing in your life. आपके जीवन में सब बदल रहा है. The Lord is changing your life upside down. परमेश्वर आपके जिंदगी को उलट पुलट कर रहा है. Believe God. विश्वास कीजिए. And praise Him. उसकी स्तुति करें. Praise Him. स्तुति करें. मीटिंग अच्छा था. वो मैसेज सबके लिए दे रही थी, लाइक जो पीड़ित थे उनके लिए, जो मतलब जो जिन्हों को चंगाई चाहिए थी, लाइक ईविल स्पिरिट एंड ऑल, जो बीमारी से पीड़ित थे उनके लिए. परमेश्वर ने हम दोनों जिन बहुत चमत्कार किए हैं. मेरी पत्नी का तबीयत ऐसा ख़राब हो जाता था जिस वजह से अपनी महकी चली जाती थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो. और मुझे भी बहुत सारी समस्या थी, उन हर समस्या को परमेश्वर ने ठीक किया. और आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जीवित रखा है. और मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि परमेश्वर ने चुने हुए को अपने समय पर बुलाता है.